हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, यूनिट 3 का टॉपिक 4, बच्चों के व्यवहार आकांक्षाओं, शरीर की छवि और पहचान पर मीडिया की भूमिका। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, टेलीविजन कार्यक्रमों में लिंग रूढ़िवादिता। वर्ष 1990 के दौरान प्रौद्योगिक प्रगति ने भारतीय जनसाधारण में भिन्न भिन्न प्रकार के टीवी कार्यक्रमों को शुरू करके संचार माध्यम की उपस्थिति को दर्ज किया, जो पहले अनुपलब्ध थे। टीवी के दर्शकों को यह आशा थी कि वे इन कार्यक्रमों के द्वारा बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे और दर्शकों को यह आशा थी कि वे इन कार्यक्रमों के द्वारा बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही विश्व में होने वाली घटना से अवगत हो सकेंगे और जो विश्व में होने वाली घटनाएं उनसे भी अवगत हो सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश टीवी का वजूद जानकारी मनोरंजन तक ही सीमित रह गया और इसने लोगों की आशाओं को पूरा नहीं किया और टीवी ने लोगों की आशाओं को पूरा नहीं किया। टीवी पर महिला छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के दृश्य बिना किसी नियंत्रण के बार बार दिखाए जाते रहे और टीवी पर महिला छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा महिला पर घरेलू हिंसा के दृश्य बिना किसी नियंत्रण के बार बार दिखाए जाते रहे जिसका युवा वर्ग के दिमाग पर स्थायी प्रभाव पड़ा और जिसका युवा वर्ग पर युवा वर्ग के दिमाग पर स्थायी प्रभाव पड़ा। कामकाजी महिला आधुनिक मूल्यों की आदर्श है और कामकाजी महिला जो है वो आधुनिक मूल्यों की आदर्श है, जबकि घर गृहस्थी वाली महिला को भारतीय मूल्यों की खान माना जाता है और जबकि घर गृहस्थी वाली जो महिलाएं हैं उनको भारतीय मूल्यों की खान माना जाता है। यहाँ पर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण को नैतिक भ्रष्टता के लिए बराबरी से जिम्मेदारियों उड़ेल देना और यहाँ पर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण को नैतिक भ्रष्टता के लिए बराबरी से जिम्मेदारियों उड़ेल देना जिम्मेदारियों को महिला पर डाल देना और युवा नंदोई द्वारा बहू को सास द्वारा डांट से उत्पन्न कष्ट पर आनंद मनाने जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए दिखाया जाता है। यह सभी आंखों से देखे जाने वाले दृश्य आज की पीढ़ी में आत्मा स्तर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में एक अध्यापिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और वे चाहे महिला या पुरुष अध्यापिका क्यों ना हो, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय समाज को ग्रस्त करने वाली सामाजिक बुराइयों के बारे में कक्षा के विचार विमर्श करके सामाजिक परिवर्तन का कारक बन सकते हैं और अध्यापक जो हैं वो भारतीय समाज को ग्रस्त करने वाली सामाजिक बुराइयों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करके सामाजिक परिवर्तन का आकार बन सकते हैं। इस प्रकार के विचार विमर्श के दौरान अध्यापिकाकरण वास्तव में युवा विद्यार्थियों के दिमाग को अनुकूल रूप से ढाल सकते हैं और इस प्रकार के विचार विमर्श करके अध्यापक जो हैं वो वास्तव में युवा विद्यार्थियों के दिमाग को अनुकूल रूप से ढाल सकते हैं ताकि उनको सही बात की जानकारी हो सके और वे समाज की गलतियों को ठीक कर सकें यह वह अवस्था होती है जिसमें युवा विद्यार्थियों के दिमाग में सोच के सकारात्मक बीज बोए जाएं और अध्यापक गण यह संभव कराने के लिए सही स्थिति में होता है और अध्यापक गण जो हैं वो ये संभव कराने के लिए सही स्थिति में होते हैं। वास्तव में ऐसी सीरियल बहुत कम होते हैं जो महिलाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक भूमिकाओं में बहुत अच्छा
करने की भूमिका में प्रदर्शित करते हैं। और रियल में ऐसे सीरियल बहुत ज़्यादा कम होते हैं जो कि महिलाओं को व्यक्तिगत उनकी पर्सनल और व्यवसायिक भूमिकाओं में बहुत अच्छा करने की भूमिका को प्रदर्शित करते हैं कि महिलाएं व्यवसाय में कोई काम कर रही हैं, वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी हैं। ऐसी भूमिकाओं को प्रदर्शित करने वाले जो सीरियल हैं वो बहुत ही कम हैं। आज की महिला जैसे कि टीवी में दिखाया जाता है, विपरीत परंपरागत सांस्कृतिक बाधाओं से बाहर निकलने के लिए और इनमें उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को अग्रसर कर रही हैं। साथ ही वे अपनी स्वतंत्रता पहचान बनाने के लिए बलपूर्वक आगे बढ़ रही हैं और महिलाएं अपनी पहचान स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए बलपूर्वक आगे बढ़ रही हैं। क्रियाकलाप 1, केस 1। आशा 14 साल की एक लड़की है। आशा जो है वो 14 साल की एक लड़की है जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। आशा ने खेल खेल में पिता के चिल्लाने पर कोई भी अनुक्रिया नहीं की। आशा 14 साल की लड़की है, वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है और आशा ने खेल खेल में पिता ने जब चिल्लाया उस पर तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो चुकी थी। माँ की जो मृत्यु थी उसकी कुछ वर्ष पहले हो चुकी थी और इसीलिए उसकी दादी को उसकी देखभाल करने के लिए बुलाया गया उसके पिता को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आशी अपनी गलती होने पर भी हमेशा जवाब दिया करती थी। और उसके पिता को आशी के पिता को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब उसकी गलती नहीं होती थी आशी की, जब भी वे जवाब दिया करती थी। बट उसके पिता द्वारा डांटे जाने पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो उसके पिता को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। अन्य मौके पर भी जब पिता द्वारा किसी बात पर डांटे जाने पर आशी ने इसी प्रकार का व्यवहार दिखाया तो पिता को चिंता होने लगी। और अन्य बातों पर भी जब आशी को डांटा गया पिता के द्वारा तो उसने जब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आशी के इसी व्यवहार को देखा है तो पिता को चिंता होने लगी, क्योंकि यह उसके सामान्य व्यवहार के एकदम विपरीत था। वे आशी की कक्षा अध्यापिका से मिले और वे उसके पिता आशी के पिता उसके टीचर से मिले और उनसे पूछा इस दुविधा के बारे में। उन्होंने अध्यापिका से बात की और धीरे धीरे इस बात के बारे में पता लगाने पर यह मालूम हुआ और उन्होंने उसके टीचर से बात की आशी के और उन्हें धीरे धीरे इस बात का पता लगाने पर उन्हें यह मालूम हुआ कि उसकी दादी, क्योंकि उसकी दादी ने ये बताया था कि सभी पत्नियों को अपने पतियों से हमेशा डांट मिलती है, इसीलिए क्योंकि आशी की दादी ने उसे बताया था कि सभी पत्नियों को उनके पतियों द्वारा डांट मिलती है, इसीलिए उसे अभी से ही इसी उम्र में जवाब न देने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। दादी आशी को ऐसे सीरियल देखने को प्रेरित करती थी और दादी उसको आशी को ऐसे सीरियल देखने से को ही प्रेरित करती थी जो इस विश्वास को उसके मन में पक्का कर देते थे, जो कि उसके जो विश्वास वो कर रही थी कि पत्नियों को हमेशा पतियों से डांट ही मिलती है, और उसको दादी उसको ऐसे ही सीरियल देखने पे प्रेरित करती थी जिससे कि उसका विश्वास उसमें पक्का हो जाए। और बेचारी आशी मानसिक आघात की स्थिति में हो गई विज्ञापन में लिंग भूमिका। परंपरागत और पुराने तरीकों में लिंग की आसान भूमिकाओं को लोकप्रिय संचार माध्यमों में लगातार दिखाने की बात लिंग की समान भूमिकाओं से वास्तव में बहुत दूर प्रतीत होती है। परंपरागत रूप से पुराने तरीकों में लिंग की असमान भूमिकाओं को लोकप्रिय संचार माध्यमों में लगातार दिखाने की बात लिंग की समान भूमिकाओं से वास्तव में बहुत दूर प्रतीत होती है। इस संबंध में कुछ विशेष पहलुओं को यह बताना जरूरी है जो निम्नलिखित हैं। महिलाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक भूमिकाओं के बीच पारस्परिक संबंधों में प्रदर्शित करना, उदाहरण के लिए जब एक महिला को घर के बाहर कामकाजी महिला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में क्या उनको बहुत ही दमदार रूप में प्रदर्शित किया जाता है या फिर उन्हें पुरुषों के सहारे के बिना अस्त व्यस्त रूप में दिखाया जाता है। या तो महिलाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक भूमिकाओं के बीच पारस्परिक संबंधों में प्रदर्शित करना, या फिर उदाहरण के लिए जब एक महिला को घर के बाहर कामकाजी महिला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में क्या उनको
बहुत ही दमदार या फिर उनको बहुत ही दमदार रूप में प्रदर्शित किया जाता है या फिर उन्हें पुरुषों के सहारे के बिना अस्त व्यस्त रूप में दिखाया जाता है या फिर उनको पुरुषों के सहारे के बिना अस्त व्यस्त रूप में दिखाया जाता है। उस समय लिंग वातावरण क्या होता है? उस समय लिंग वातावरण क्या होता है जब नई भूमिकाओं जैसे पुलिस अधिकारी के रूप में अग्रसर महिलाओं को प्रदर्शित किया जाता है? उस समय लिंग वातावरण क्या होता है जब नई भूमिकाओं जैसे पुलिस अधिकारी के रूप में अग्रसर महिलाओं को प्रदर्शित किया जाता है? परिवार की संरचना को किस तरह प्रदर्शित किया जाता है और परिवार की संरचना को किस तरह प्रदर्शित किया जाता है? पारिवारिक जीवन और गतिविधियों का केंद्र कौन होता है? संवेगों के रूप में पुरुष और महिलाओं को किस तरह प्रदर्शित किया जाता है? संवेगों के रूप में पुरुषों और महिलाओं को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है? विज्ञापन में परंपरागत लिंग रूढ़िवादिता। सामान्य तौर पर कहीं पर और कहीं भी विज्ञापनों का पूर्व अवलोकन करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। फर्स्ट इज, महिलाओं को या तो आज्ञाकारी या फिर उत्तेजित या फिर विमोहक कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। फर्स्ट इज, महिलाओं को या तो आज्ञाकारी या फिर उत्तेजित या फिर विमोहक कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। महिलाओं को सामान्यतः उत्पाद के उपयोगकर्ता के रूप में दिखाया जाता है या महिलाओं को सामान्यतः उत्पाद के उपयोगकर्ता के रूप में दिखाया जाता है ना कि सक्षम प्राधिकारी के रूप में। महिलाओं को घर के वातावरण में घरेलू काम करते हुए दिखाया जाता है और महिलाओं को घर के वातावरण में घरेलू काम करते हुए दिखाया जाता है ना कि कामकाजी वातावरण में काम करते हुए। महिलाओं को घर के वातावरण में घरेलू काम करते हुए तो दिखाया जाता है बट कामकाजी वातावरण में काम करते हुए नहीं दिखाया जाता। समग्र तौर पर यह स्पष्ट प्रमाण है कि विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं की छवि को समानता के रूप में नहीं दिखाया जाता और समग्र तौर पर यह स्पष्ट परिणाम है कि विज्ञापनों में पुरुष महिला की छवि पुरुष और महिला की छवि को समानता के रूप में नहीं दिखाया जाता परंतु उनको लिंग रूढ़िवादिता और लिंग के अनुसार उचित भूमिकाओं के बारे में प्रचलित आम विश्वासों के अनुरूप दिखाया जाता है और परंतु उनको लिंग रूढ़िवादिता और लिंग के अनुसार उचित भूमिकाओं के बारे में प्रचलित के अनुरूप दिखाया जाता है। जनसंचार माध्यमों में बच्चों और किशोरों का चित्रण। संचार माध्यमों में किशोरों का प्रदर्शन उचित नहीं है। संचार माध्यमों में किशोरों का प्रदर्शन उचित नहीं है। बहुत से संचार माध्यम किशोरों को अत्यधिक भावुक, अधिक नाटकीय, अपरिपक्व तथा उचित निर्णय न ले पाने में अक्षम दिखाते हैं और संचार माध्यमों में किशोरों का जो प्रदर्शन है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। बहुत सारे जो संचार माध्यम है वो किशोरों को अत्यधिक भावुक, अधिक नाटकीय और उचित निर्णय न ले पाने में अक्षम दिखाते हैं। इन किशोरों को संचार माध्यमों में पार्टी करते हुए और साहसी यात्रा करते हुए दिखाया जाता है और इन संचार माध्यमों में किशोरों को पार्टी करते हुए और साहसी यात्रा करते हुए दिखाया जाता है जिसे देखकर किशोर यह महसूस करते हैं कि संचार माध्यम में उनकी छवि कुछ अवास्तविक है और इसे देखते हुए जो किशोर हैं वो ये महसूस करते हैं कि उनकी छवि संचार माध्यमों में अवास्तविक है क्योंकि यह वे किशोर हैं जो कम महत्वपूर्ण कार्य जैसे समय पर अपना गृह कार्य समाप्त न करने और प्रतिस्पर्धा रूप में पढ़ाई करने, पढ़ाई दोहराने और बहुत कठिनाई मेहनत और बहुत कठिन मेहनत करने वालों के रूप में होते हैं। इस प्रकार के प्रदर्शनों से किशोर यह महसूस करते हैं कि वे ऐसे अनुभवों को नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा देखकर वे किशोर जो हैं वे ये अनुभव करते हैं कि जो उनके अनुभव हैं वो उनको अनुभूत कर नहीं पा रहे हैं जिनके बारे में संचार माध्यम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं और जिनके बारे में संचार माध्यम जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। बच्चों को अपने अभिभावकों से संचार माध्यमों में प्रदर्शन से इस बात में चालाकी करते हुए प्रदर्शित किया जाता है कि वे जो पसंद करें अभिभावक उनको वही खरीद दें जो वास्तविक जीवन में हमेशा सच नहीं होता और बच्चों को अपने अभिभावकों से संचार माध्यम में प्रदर्शन से इस बात में चालाकी करते हुए दिखाया जाता है कि
प्रदर्शित किया जाता है कि वे जो पसंद करते हैं, जो किशोर है वो जो पसंद करते हैं वे अभिभावक उनको वही खरीद के देते हैं, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, यह सच नहीं है। किशोरों को या तो बहुत आज्ञाकारी उचित प्रतिमानों का पालन करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, और जब वे अभिभावकों के संरक्षित वातावरण से हटकर कुछ अलग करते हैं, या तो किशोरों को बहुत आज्ञाकारी उचित प्रतिमानों का पालन का करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, या फिर जब वे अभिभावकों के संरक्षित वातावरण से हटकर कुछ अलग करते हैं तो वे समस्याग्रस्त हो जाते हैं, और वे अपने अभिभावक अपने पेरेंट्स के संरक्षित वातावरण से हटकर अगर अलग कुछ करते हैं तो वे समस्याग्रस्त हो जाते हैं, प्रॉब्लम में पड़। वास्तविक जीवन में वे किन मुद्दों से जूझ रहे होते हैं उचित रूप में नहीं दिखाया जाता, और रियल में किशोर जो है वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उचित रूप में उन्हें वो चीज़ नहीं दिखाई जाती संचार माध्यम में, जिसके कारण वे आज के किशोरों की नज़रों में अवास्तविक कार्य आदर्श के रूप में आते हैं, और जिसके कारण क्या होता है वे आज के किशोरों की नज़रों में अवास्तविक कार्य आदर्श के रूप में आते हैं। बच्चों पर संचार माध्यमों का प्रभाव। इन परिवर्तनशील संचार माध्यमों और संप्रेक्षण वातावरण के जोखिमों और अवसरों से इस कुंजीनुमा काम में बच्चों के जीवन में अनेक प्रश्न सामने आते हैं। सामाजिक और मानवविज्ञानिक अध्ययन के द्वारा यह बात पता लगाई गई है कि इस कुंजीनुमा काल में संचार माध्यमों का बच्चों के व्यवहारों विश्वासों और अभिवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तनशील संचार माध्यमों और संप्रेक्षण वातावरण के जोखिम के अवसरों से इस कुंजीनुमा काम में बच्चों के जीवन में अनेक प्रश्न सामने आते हैं। सामाजिक और मानवविज्ञानिक अध्ययन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कुंजीनुमा काल में संचार माध्यमों का बच्चों के व्यवहारों विश्वासों और अभिवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। संचार माध्यम बच्चों के जीवन पर विभिन्न तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, और संचार माध्यम जो है वो बच्चों के जीवन में विभिन्न तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे वे व्यवहार करते हैं, जैसे वे दिखते हैं और जैसे वे दूसरों को दिखाई देते हैं। जैसे कि बच्चे दिखते हैं वे व्यवहार करते हैं और वे दूसरों को दिखाई देते हैं, ये सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संचार माध्यमों द्वारा प्रभावित होता है, और ये सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से संचार माध्यमों द्वारा प्रभावित होता है। संचार माध्यम सपने बेचता है, और संचार माध्यम जो है वो सपने बेचता है, और किशोर बिना उसके परिणामों को समझे ऐसे सपनों में लिप्त हो जाते हैं, और किशोर जो है वो ऐसे सपनों के परिणामों के बारे में जाने बिना इन सपनों में लिप्त हो जाते हैं। निम्नलिखित खंड में हम किशोरों पर संचार माध्यमों के और अधिक प्रभाव के बारे में सीखेंगे। संचार माध्यम और सामाजिक विश्व के बारे में सीखना। केस स्वाति 14 वर्ष की एक प्यारी सी लड़की थी। स्वाति जो थी वो 14 वर्ष की एक प्यारी सी लड़की थी जो कक्षा 8 में पढ़ती थी, और उसने अपना ध्यान डॉक्टर बनने पर केंद्रित किया हुआ था। और स्वाति जो थी वो 14 वर्ष की एक प्यारी सी लड़की थी और वह कक्षा 8 में पढ़ती थी और उसने अपना ध्यान डॉक्टर बनने पर केंद्रित किया हुआ था, परंतु धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा वे धीरे धीरे कक्षा में सपने देखने लगी और वह धीरे धीरे कक्षा में अपनी क्लास में सपने देखने लगी। स्कूल से मिलने वाले होमवर्क को भी नियमित रूप से पूरा नहीं करती थी और जो स्कूल से उसको होमवर्क मिलता था उसको भी नियमित रूप से पूरा नहीं करती थी, और कक्षा में ध्यान लगाने और अपने में डूबे रहने के लिए मना किया जाता था। और कक्षा में उसको ध्यान ना लगाने और अपने में ही डूबे रहने मतलब अपने में ही लगे रहने से मना किया जाता था, तो वह रोने लगती थी। अगर उसको मना कर दिया जाता था तो वह रोने लगती थी। उसकी विज्ञान अध्यापिका ने जब धीरे धीरे इस बात का पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसके मन में अपने शरीर को लेकर एक खराब छवि विकसित हो रही थी। और जब उसकी विज्ञान की टीचर ने जब यह पता लगाया कि उसके मन में धीरे धीरे इस बात का पता लगाया कि उसके मन में अपने शरीर को लेकर एक खराब छवि विकसित हो रही थी, क्योंकि वह सोचती थी कि वह बहुत ही मोटी हो गई है और इस बात के कारण वह अवसाद में जा रही थी उसकी अध्यापिका की दृढ़ता और
उस पर निरंतरता आंख रखने से उसे इस दुविधा से निकलने में सहायता मिली और उसकी अध्यापिका उसकी जो टीचर थी वह उस पर निरंतर आंख रखने से उसे इस दुविधा से निकलने में सहायता मिली और अब वह फिर से अपनी कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और फिर वह अपनी कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक व्यक्ति सामाजिक विश्व से सीखता है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो व्यक्ति सामाजिक विश्व से सीखता है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। संचार माध्यमों में काम भावना लिंग संचार माध्यमों में हिंसा मोटापा और संचार माध्यम ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।